नवी मुंबईची ओळख ही सुनियोजित शहराच्या रूपात आहे, परंतु आता हळूहळू ही ओळख लोप पावत असल्याचं दिसतंय। या शहरात मुलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेक उद्यानं आहेत। इतकंच नाही तर नवी मुंबई महानगरपालिकेने देखील वंडर्स पार्क सारख्या उद्यानाचं नेरूळमध्ये निर्माण केलंय, परंतु शहराच्या विविध क्षेत्रात असलेल्या लहान उद्यानांकडे मात्र प्रशासनाद्वारे कानाडोळा केला जातोय। प्रशासनाच्या नाकारतेपणामुळे मुलांना दिवाळीच्या सुट्टीत उद्यानांमध्ये खेळण्याची मजा लुटता आली नाही, कारण अनेक उद्यानांमध्ये मुलांची खेळण्याची साधनं तुटलेल्या अवस्थेत आहेत। NMTVशी बोलताना काही मुलांनी यावर नाराजगी व्यक्त केली। तिन्ही झूले होने के कारण बच्चों में झगड़ा भी होता है और ऊपर से एक झूला भी मतलब टूट गया है तो बच्चे अपने में आपस में झगड़े करते वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर बहुत सारी गंदगी है, बच्चे लोग आके कुरकुरे खाते और फेंक डालते कचरा। गार्डन में कहा भी फूल लगाएंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। वयोवृद्धांना चालण्यासाठी बनवण्यात आलेले वॉकिंग ट्रॅक आणि बेंचेसच्या असुविधेकडे अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षपणावर नागरिकांनी खापर फोडला। बैच आए नहीं क्या करेगा, किधर बैठे, नीचे बैठेगा जमीन ऊपर, बैच तो मांगता है नहीं, इतना सब इधर आते हैं लोग, वो तो जरूरत है, पैर में दर्द होता है, बैठने का गुडन रुकती है, सबको ऊँचे बैठेगा तो अच्छा रहता है ना सबको, सबके लिए। हाँ, अभी पूरा गार्डन रहता है, बड़े लोग इधर आता है, सब इसको खड़े नीचे बैठना पड़ता है, सबको गुड में दर्द रहता है। अभी बड़ा लोग आता है उसको तो ऊपर बैठना चाहिए ना, बेंच रहता है तो बैठता है। इधर क्या है, बच्चे लोग आता है, छोटा छोटा बच्चे लोग, बड़ा बड़ा आदमी लोग, सबको आता है, तो ऐसा बेंच के ऊपर बैठेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है इसके लिए, और थोड़ा बाकड़ा होना मांगता है। इधर संगा जाए बेंच पाजे बसायला लोग ना यार, वो कमी उम्र वाले लहान बच्चे वाले जो बसायला वसायला सोचा पाहिजे चांगली गोष्ट। धक्कादायक गोष्ट म्हणजे सुरक्षा रक्षकांच्या अनुपस्थितीमुळे उद्यानातील स्टीलची नळे चोरीला जाण्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत। वॉचमैन लोग जब ड्यूटी में रहते वो उनका इधर ध्यान नहीं रहता। वॉचमैन आते हैं, वॉचमैन कुछ ध्यान नहीं देता। एक बार तो मेरी साइकिल चोरी होने वाली थी, वॉचमैन ने ध्यान नहीं दिया। इधर बच्चे लोग आते हैं, कुरकुरे सब खा के फेंक डालते, पर वॉचमैन ध्यान नहीं देते। आजकल सिक्योरिटी होना तो बहुत जरूरी है, हर जगह जरूरी है, अब यहाँ इतने सारे बच्चों तो गार्डन में तो सच में बहुत जरूरी है। परंतु या उद्यानांची देखभाल करणाऱ्यांनी तर आता नागरिकांवरच आरोप करत सांगितलंय की ते उद्यानांच्या देखभालीसाठी योग्य सहकार्य करत नाहीयेत। काही इधर का जे पब्लिक बाई छोकरा लोग ये झारका बारी में बहुत तंग करता है। क्या करते वो तोड़ डालता है। कॅमेरामन दीपक कांबळेसह ग्रीष्म मोदीचं वृत्त।